इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कार बैठा तू, कब से सुधर गया भाई? हाँ, कब से शरीफ बन गया? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है जब भी हम गलत कामों या गलत आदतों को छोड़कर सही रास्ता अपनाते हैं तो, और उनकी बातों को सुनकर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब जब मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ तो भी मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस रास्ते पर चलना बेकार है। वही ज़िंदगी अच्छी थी गलत रास्ते वाली, और हम फिर से वही गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं, मजाक उड़ाने वाले, चिढ़ाने वाले, ये नहीं चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे चलो, क्योंकि इस रास्ते पे चलोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, तमीज से पेश आएंगे, बेखौफ ज़िंदगी जियोगे। तो इन सारे चीज़ों से ऐसे लोगों को जलन होती है कि आप ऐसी लाइफ स्टाइल जियोगे नहीं। समझे? तो ये बात है, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो गलत ट्रैक पर चल पड़े हैं, वक्त और हालात की वजह से या फिर बुरी संगति की वजह से, चाहे जो भी रीज़न हो। उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह डिसीजन लिया कि यार अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरीके से नहीं बिता सकता, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, और उन्होंने यह डिसीजन लिया। कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जिनमें से एक आप हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। दम होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए ऐसा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि अब आप ऐसे लोगों के खिलाफ जाकर डिसीजन ले रहे हो, काम कर रहे हो। रामायण को हम अपनी घर में रखते हैं, श्रद्धा से रखते हैं, इज्जत के साथ रखते हैं, अगरबत्ती भी दिखाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन रामायण को जिन्होंने लिखा है वाल्मीकि जी, वो खुद एक टाइम लोगों को लूटते पाटते थे, समझे? तब उनके घर में चूल्हा जलता था, लेकिन एक टाइम के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यार अब बहुत हो गया, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह नहीं बिता सकता था, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, और उन्हें अपनी ज़िंदगी बदलने का डिसीज़न लिया, तब जाकर उन्होंने रामायण लिखा, समझे? तो पास्ट में मैंने चाहे कुछ अच्छे से अच्छा किया हो या फिर बुरे से बुरा किया हो, जो भी किया वो पास्ट में जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वो कचरा है, उसकी बात नहीं करनी है, आज की बात करनी है, आज जो मेरे हाथ में है, आज मुझे अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी है ये देखना। पास्ट में कुछ अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया, वो इंसान मर चुका है, आज जो इंसान है वो कोई और है। अगर आप मुझे अपने मेमोरी के थ्रू देख रहे हो कि अरे ये तो वही इंसान है जो 10 साल पहले था, तो आज भी वैसा ही होगा, तो वो आपके नज़रिए में प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, अपने नज़रिए को बदलो चचा, समझे? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप सही रास्ते पे चलने लगते हो तो अनजाने में ही सही आप उन सारे लोगों के लिए काम कर रहे हो जो गलत रास्ते पे निकल पड़े हैं, चाहे जो भी रीज़न हो, लेकिन वो भी सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, लेकिन लोग मजाक उड़ाएंगे, चिढ़ाएंगे, ये सारी बातें उनके दिमाग में घर कर जाती है और वो एक्शन तक नहीं ले पाते, तो आप उन सारे लोगों के लिए मिसाल बन रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। अब क्या होगा कि आपके देखा देखी वो लोग भी आपको फॉलो करते हुए आपकी तरह बनना चाहेंगे कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी बदलनी है, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो जब ये बातें हमारी समझ में आ जाती है, तो अब कोई बोलता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे वैसे कोई भी बात, तो अब ऐसे लोगों की बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब ये बात हमारी समझ में आ चुकी होती है कि ये ज़िंदगी मेरी है, मुझे अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीना है, नहीं जीना है, ये मैं डिसाइड करूँगा, इसका डिसीज़न मैं लूँगा, कोई और इंसान मेरी ज़िंदगी का फैसला नहीं ले सकता। मैंने डिसीज़न लिया ना सही ट्रैक पर चलने का, क्योंकि मेरे अंदर दम, मेरे अंदर हिम्मत है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, वो खुद अंदर से खोखले होते हैं। इन खोखले लोगों को वैल्यू मत दो, इंपॉर्टेंस मत दो, साइड करो ऐसे लोगों को और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है? तो ये बात है, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।